हमने ऑन कर लिए और अब आपके पास यकीनन जो है वो इसकी स्क्रीन भी कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगी जो कि आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, पहला पॉइंट जो है, मुझे एक पैसेज है उसका रफ ड्राफ्ट बनाना है। आप CSS या PMS के पेपर में बैठे होंगे तब वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपको अगर प्रैक्टिस से नहीं गुजरे हो तो ये बहुत टफ टाइम दे आपको देंगे। पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट आपने ये है कि रफ ड्राफ्ट को जो है ये मैंने आपको बता दिया गुजरोगे, लेकिन सेकेंड नंबर पर आप ये करोगे कि कुछ पॉइंट्स को याद रखोगे। दूसरा पॉइंट इसके अंदर जो आपने याद रखना है, ये सारे के सारे आपके ऑन वर्ड्स होने चाहिए। कभी गलती ना कीजिएगा कि पैसेज के अंदर से कुछ अल्फाज जो हैं वो लेने हैं, पैसेज के अंदर से ही कुछ अल्फाज को मुझे उठाना है और मुझे उन अल्फाज को इधर उधर की मिला के बाद जो है वो अपनी कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इससे आपको कोई मदद नहीं मिलने जा रही है। आपके ऑन वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है कोई पैच वर्क दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई मिक्सर जो है वो दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है वो कुछ फ्रेजेस जो है वो उसी पैसेज में से उठा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारे के सारे सेंटेंसेस और कोटेशन जो है उन्हीं में से ले लिए, आपने उसको प्रिसाइज किया है, आपने उसे एक्सप्लेन किया। नहीं, ये पांचवी आठवीं या कोई मैट्रिकुलेशन का इम्तहान नहीं है क्या, जहाँ पे उसी में से उठाया दो तीन लाइनों को जो है वो समअप किया और हमारे करते हैं, गलत है। दिस प्रैक्टिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। द सेकेंड थिंग, कनेक्टेड होल होना चाहिए। अब ये कनेक्टेड होल से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ओरिजिनल पैसेज है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो ओरिजिनल पैसेज है मुमकिन है कि वो भी किसी सेक्शन के अंदर डिवाइड हो, मुमकिन है कि उसके अंदर भी आपके पास जो है वो पैराग्राफ्स जो है वो मौजूद हो। ठीक है, तो आपने अपने प्रेसी को जब भी बनाना है तो आपने प्रेसी के अंदर इस चीज को याद रखना है और ध्यान रखना है कि ये सारे जो मैसेजेस या पैराग्राफ जब आप उनको प्रिसाइज कर रहे हो, इनके अंदर एक कनेक्टेडनेस होनी चाहिए, एक हम आहंगी होनी चाहिए, ये आपस में जुड़े हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे जा रहा है और कोई कहीं पे जा रहा है, अगरचे वो ओरिजिनल पैसेज के अंदर मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे हैं, लेकिन आपने जब उन्हें बताना है आपने इसे एक होल के तौर पर बताना है। इसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो पॉइंट आ जाता है कि आपकी प्रेसी जो होती है, ये जो मैसेज है, फोर्थ नंबर पे पॉइंट है, मैसेज जो है उसको ये फुली कम्युनिकेट करे, फुली कम्युनिकेट। अब इसका क्या मतलब है फुली कम्युनिकेट करे, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रेसी है उसके जो मीनिंग्स हैं वो सबको समझ में आने चाहिए। ठीक है, मीनिंग समझ में आने चाहिए कि जो आपने बताया, आपने वो सारी की सारी बात जो है, जिसे कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर देना, तो आपने वो इसके अंदर कर दिया। ठीक है, आखिरी चीज, आपकी जो प्रेसी है इसके लिए आपने यू शुड यूज सिंपल वर्ड्स। अच्छा देखिए, आप जब भी कमीशन के एग्जाम्स है ना, लोग नाकाम होते हैं, फेल होते हैं, उसकी सबसे बड़ी लॉजिक और वजह पता क्या होती है, उसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, वो वजह ये होती है कि वो लोगों को, राइटर को इम्प्रेस करने के चक्कर में, ध्यान से सुनिएगा, इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा नाकामियां होती हैं। वो आर्ट ऑफ जो कंप्रेशन है, इस आर्ट ऑफ कंप्रेशन को ढंग से नहीं कर पाते हैं। राइटर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है प्रेसी के अंदर, राइटर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस उसके ये हैं कि आपने बस जो चीजें बतानी हैं, ये एक्सपेक्टेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नंबर, पहली एक्सपेक्टेशंस, वो आपसे ये चाहता है कि क्लियरली सारी की सारी चीजों को मेंशन करें। क्या क्लियरली मेंशन करें? कंसाइजली, जो उसके आइडियाज हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको क्लियरली कंसाइजली। और तीसरे नंबर पे उसके जो पार्ट्स हैं उनको आपने सक्सेसफुली ट्रांसपोज किया एक से दूसरी जगह में आपको बताया। सो ये तीन चीजें हैं कि क्लियर रहें, कंसाइज रहें और उनके पार्ट्स के अंदर एक हमांगी होनी चाहिए।
अच्छा जी, एक प्रेसी के अंदर जो है एक और मैं आज पैसेज प्रेसी कुछ पढ़ रहा था, पैसेजेस जो पार्टिसिपेंट्स ने भेजे थे, और आई एम रियली हैप्पी के तकरीबन 2 हजार लोगों को छोड़ के तमाम ने वो जो असाइनमेंट मैंने सेंड की उस प्रेसी को जो है उन्होंने किया और करने के बाद सेंड किया। प्रेसी जो होती है ना आपकी, इसमें आपने एक्सप्रेशंस को देना, वर्ड को देना, सेंटेंसेस को देना, इसका एक तरीकेकार होता है। इसका तरीकेकार ये होता है कि आप इसमें जो स्पीच यूज करोगे वो प्रेफरेबली आप यूज करोगे आपकी स्क्रीन वापस आ गई है। जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हो ना, एक चीज याद रखिएगा, ये हमने इसमें जो पार्टिसिपेंट्स ने बताया आपके, वेल एंड गुड, ये भी ठीक है, लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप इस तरह से करते हो, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो अटेंशन को कॉल करती है। ठीक है, वो अटेंशन को कॉल करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको वंस अगेन बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये प्रेसी को और कंपोजिशन को, इन चीजों को इतना लाइट ना लीजिए, ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशंस इज दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा और क्या होता है, द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दैट इज योर रिविजन। अच्छा, जब रिवीजन फेज में हमारे पास क्या होता है, रिवीजन में हमारे पास क्या होता है, अच्छा देखिए, रिवीजन में सबसे पहला पॉइंट जो है, जब भी कभी आपने अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर दिया, ठीक है, आपने अपना फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, अब उसको इनडायरेक्ट फॉर्म को यूज करते हुए तैयार किया, अब फाइनल ड्राफ्ट के अंदर आपने उसको क्लियरली और बड़े ढंग से उसको रिवाइज किया, अब आपने उसकी फिर कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करने से पहले उसको रिवाइज किया, टाइम एंड अगेन रिवाइज किया। अब आपको रिवीजन में 2 चीजें पता चलें। पहली चीज आपको ये पता चलेगी कि आपने जो तैयार किया, क्या ये इसकी फेयर कॉपी है या नहीं, इसमें आपको यस या नो की खुद से ही वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जब आप भी इंशाल्लाह इंटरव्यूज में बैठेंगे और जब आप भी देखेंगे, या जब हम अपने कमीशन के इंटरव्यू में थे, ये चीजें ना आपको खुद से ही समझ में आना शुरू हो जाती है। जब आप प्रेसी तैयार करते हो ना, यू विल फील कि अच्छा ये काफी है या ये काफी नहीं है। मुझे इन इन डिटेल्स को मुझे उमिट करना चाहिए, मुझे इन इन डिटेल्स को रिटेन करना चाहिए। तो ये उमिटेड और रिटेन की पॉलिसी जो है ये आपकी बड़ी वाजे होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। इसके बाद आपने जो गलती कभी नहीं करनी है वो मैं दोबारा बताऊंगा, ये आपके लिए सुसाइड है अगर आप ये गलती करें, आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक, ये आपके लिए सुसाइड है अगर आप इसमें कहीं पे पंचुएशन की मिस्टेक्स करते हो, ठीक है, ये आपके लिए सुसाइड है कि अगर आप इसमें कहीं पे ग्रामर की मिस्टेक करते हो, ये आपके लिए सुसाइड है अगर आप यहीं कहीं पे इडियम को गलत इस्तेमाल कर देते हो। ये चीजें गलत इस्तेमाल कभी ना कीजिएगा, अगर आपने इनको गलत इस्तेमाल करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। जब आपने एक फाइनल कॉपी आपके पास आ गई, फेल कॉपी, जिसमें ना स्पेलिंग गलत है, ना पंचुएशन, ना ग्रामर, ना इडियम, तो यकीन कीजिए यू आर गोइंग टू क्रॉस 2022-23। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो अपने स्कोर को बेहतर बनाएंगे। आखिर में अपनी डिस्कशन को मैं सम अप जो है वो करना चाहूंगा। पहला पॉइंट, पैसे का पैसेज अभी आपको मैं देने देने जा रहा हूँ, उस पैसेज को रीड करना, केयरफुली रीड करना। पहला स्टेप, उसको रीड किया आपने, और इसमें आप जो है वो इसको सेवरल टाइम्स रीड कर सकते हो, जितनी दफा चाहो इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, आप इसको चाहो तो आप इसके जो है वो इसके थीम्स को देख सकते हो, आप इसको चाहो तो आप इसके जो है वो जनरल मीनिंग्स जो है उन मीनिंग्स को समझने की कोशिश कर सकते हो, इसको टाइम एंड अगेन रीडिंग्स दे सकते हो। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे करोगे, सेकेंड पॉइंट आप ये करोगे कि आपने उसको पढ़ने के बाद उसको एग्जामिन करना शुरू कर, उस पैसेज को
आपने अब एग्जामिन आपने क्या किया, आपने इस तरह से उसका एग्जामिन किया, इस तरह से उसको जांचा कि आपको मीनिंग समझ में आ गया, एक एक सेंटेंस का एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता है, जिस तरह से पूरी ग्रैस्प होती है ना किसी चीज पर, ग्रिफ्त हो जाती है, वैसे आपकी प्रेसी के ऊपर ग्रिफ्त होनी चाहिए, होनी चाहिए आप इसके बाद। सो थर्ड नंबर पे आपके पास में वो, आपने उसको एक अपनी तरफ से शॉर्ट टाइटल जो है वो असाइन कीजिए, शॉर्ट टाइटल आपने इसको असाइन किया। अभी शॉर्ट टाइटल क्या है, एक ऐसा शॉर्ट टाइटल जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट मौजूद, जिसमें आपको पता है कि काम करने वाला जो है वो क्या है, स्टेप क्या होगा। फोर्थ पॉइंट ये है, आप जो डिटेल्स जो पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं, ठीक है, अब ये देखें जरा कि क्या वो थीम से मिलते हैं, क्या जो आपने पॉइंट्स निकालने हैं वो थीम से मिलते जुलते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी प्रेसी को बिल्कुल ही किसी गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, और जो पॉइंट है जो कि आप समझेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रेसी की जो लेंथ है अमूमन कंपटीशन के एग्जाम्स में 1/3 डिमांड है, तो आपने उसमें देखना है कि आपने उस डिमांड को पूरा किया। छठे नंबर पे जो छठा स्टेप आप करोगे, छठा स्टेप आप ये करोगे कि आप इस सारी की सारी प्रेसी को जो आपने बनाया है, आपने ये देखना है कि आपके ऑन वर्ड्स हैं, आपने तमाम के तमाम अल्फाज कहीं किसी पैसेज के अंदर से नहीं उठाए हुए, सो आपने किसी पैसेज के अंदर से ये वर्ड जो है वो नहीं उठाए, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर लिए वो सारे के सारे वर्ड जो आपके सामने थे, सो ऑन वर्ड्स में है। और आखिर में आपने कभी फाइनल ड्राफ्ट में नहीं जाना, पहले रफ ड्राफ्ट बनाओगे, फिर उसको इसके साथ ओरिजिनल के साथ, ओरिजिनल के साथ करो। अगर आपको फिर भी लगता है कि वो उसे कंप्रेस कंप्रेस कर ईडियम को जो कर, अब मुझे बताइए यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका है तो बताइए, क्या ये स्टेप हैं, ये स्टेप्स हैं, इनको अच्छे ये गाइड कीजिएगा। हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके पास जो है गुड के, थैंक यू नईम साहब, 6 PM से 7 PM की क्लास अगर हो तो किसी को कोई इशू है इसमें, इस टाइमिंग में 6 PM से 7 PM, अगर हम अपने टाइमिंग को थोड़ा सा जो है वो पीछे लेके आना चाहें 6 PM से 7 PM, तो इज इट फाइन कि हम जो है वो अगर इस टाइमिंग पे लें। सर यही सही है, ठीक है, आप अपना टाइम अपना नेम लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए नमाज टाइम, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, चलें, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली गुड, ओके ठीक है। नईम साहब ये सीकर जो है इनका नाम हमारे पास नहीं था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनका जो है वो नाम हमारे पास आ जाए, ओके जी, सो ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके जी, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट्स है। अब इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, अब ये पॉइंट्स आपके साथ हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। अच्छा जी, ओके 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 ओके, मैडम इकरा जो है वो किचन से जान छुड़वा के आई हैं, तो सब जो है वो जो आपके कॉलर्स हैं इन्हें मिस इकरा आप जो है वो एक कप ऑफ टी जो है वो प्रेजेंट करें एक गुडविल जेस्चर के तौर पर, कि आपकी किचन से जो है वो जान छूट के ही है, और मिस मरियम के भी, तो सभी को एक एक कप चाय जो है वो पिलाइए, ताकि ये सब जो है वो आपकी जल्दी छूटने की दुआ किया करें, ठीक है, और आप जो है वो ये इन्हें इन्हें ये जो है वो हेल्प आउट कर सके। जो है एक मौका मिल जाए, ओके। अभी हम जो है एक पैसेज को देखते हैं, एक पैसेज को प्रेसिंग करके देखते हैं कि हमने बड़ी थियोरेटिकल बातें हो गई, अब हम जो है एक 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 ऐसा करते हैं, एक स्पेसिमेन लेते हैं,
उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब आई डोंट नो कि हमारी स्क्रीन पे ये सारा पैसा पूरा आता है कि नहीं आता। हाँ जी आ गया। अच्छा देखिए, इसमें पहली बात, परेशान आपने नहीं होना, कुछ सही नहीं है कुछ गलत नहीं, अभी आप सिर्फ एक कोशिश करो, ठीक है। पहली लाइन है, वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स लिटिल नॉलेज। सिर्फ ये लाइन पे फोकस करना है, इस लाइन पे, पहली लाइन पे, जो भी बेहतर लगता है इसको शॉर्ट करना। ये एक्टिविटी है आपके पास, पहली लाइन, वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आर सिविलाइजेशन व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज, इसको आपने वन थर्ड बनाना है, इसको बनाना है। तो देखते हैं पहले किसका रिस्पॉन्स आता है और कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। जी आपका कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है, डिडंट कमांड्स ऑन नॉलेज, ठीक है। लेकिन इसे अगर एक प्रॉपर सेंटेंस में हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, आपकी अच्छी एफर्ट है। जी नईम साहब ने बारिश के पहले कतरे की तरह नीचे गिरे हैं। देखें हमने कहा बेसिक से आपको शुरू किया, और मैंने इंशाल्लाह एमओसीसी के इस प्लेटफॉर्म से और रिकॉर्डेड क्लास में, इट्स माय प्रॉमिस, मेरी सुपरविजन में आपको ये अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह ताला की जात, सब जो है वो आप सब पे अपनी करोड़ा रहमत करें। आपका प्रेसी कंपोजिशन ऐसे इसके पेपर जो हैं ये अल्लाह के फजल करम से नहीं प्रॉब्लम करेंगे, अगर आप क्लासेस को ढंग से ले रहे हो, ठीक है। अल्लाह का एक खास करम है कि हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आसान से मुश्किल की तरफ मूव करते हैं, और अल्लाह ताला की जात हमें नवाजते हैं, फिर अल्लाह ताला की जात हम पे करम फरमाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से बेसिक प्रेसी को समझा और अब हम इस स्टेप तक आए हैं। अच्छा जी देखिए, अगर मैं इस लाइन को मैं प्रिसाइज करके दिखाता हूँ, ठीक है। मेन फॉल्ट ऑफ सिविलाइजेशन इज टू यूज नॉलेज इम्प्रॉपरली, आस्था की अच्छी कोशिश है, आवर सिविलाइजेशंस ग्रेट डिफेक्ट इज नॉट टू नो इट्स नॉलेज, ठीक है। नॉलेज बैरियर्स इन आवर सिविलाइजेशन, नाइम साहब की अच्छी अटेम्प्ट है, लेस नॉलेज अबाउट एनीथिंग। अच्छा इसको मैं प्रिसाइज अगर करने की कोशिश करूं, वी डू नॉट नो व्हाट आर हाउ टू यूज आवर, तो ये कैसा लगता है आपको जो है, वी डू नॉट नो हाउ टू यूज आर नॉलेज, ठीक है। वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन हाउ टू यूज आवर नॉलेज, ठीक है। आपने फील किया कुछ, ठीक है, इसको आपने फील किया कि हम नहीं जानते, मैंने उसको कितना प्रिसाइज किया। अब मुझे कुछ, अभी मैंने कैसे किया, अब मैं हम देखते हैं कि जब मैंने इस लाइन को, तो मैंने कम से कम इसको तीन रीडिंग से पता चला कि मुझे इस प्रेसी के अंदर ये सिर्फ मेरे काम की बात है, इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो है इसका की सेंटेंस ये है, ये वन ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ये तो काफी है, डू नॉट नो, ठीक है, और ये हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं, एक स्टेप और कोशिश करते हैं दूसरे की, हम जो है वो प्रिसाइज करने की। अब ये लाइन चूंकि हम कर चुके हैं तो चलिए इसको भी हम रहने देते हैं। अच्छा जी दूसरा जो है वो नाली, अब आपने पहली लाइन चूंकि ये थी तो इसको हमने पहला नंबर दे दिया, अब ये दूसरी लाइन आपके पास ये है, चलिए हम इसको दूसरा नंबर दे देते हैं, और अब आपने जो है इस दूसरे नंबर वाली लाइन को करना है, शॉर्ट करना है। साइंस एज वी हैव सीन हैज गिवन अस पावर्स फिट फॉर द गॉड्स, येट वी यूज देम लाइक स्मॉल चिल्ड्रन। सो दूसरी लाइन जो है वो ये आप पेपर में भी लाइनिंग बना सकते हो, लेकिन अपने जहन के अंदर, ठीक है। सो दूसरी जो है वो लाइन पीएमएस के लिए अप्लाई जरूर करिए, जो इसकी लास्ट डेट है। साइंस एज वी हैव सीन
has given us powers fit for the gods, yet we use them like small children. So, very sounds here, but we use powers for small thing. Alex, इसे दोबारा एक दफा पढ़िए, शायद आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं, और आई थिंक एक ही रीडिंग में ना आपको ये क्लियर हो जाएगा. बड़ी अच्छी एक्टिविटीज चल रही हैं अभी, आप सब अपनी कोशिश करेंगे. एलेक्स ने अपनी कोशिश की, वेल डन, वेरी गुड, आपने कोशिश की. अब जी दूसरे जो हैं वो अपनी कोशिश कीजिएगा. अच्छा, ये लिखेंगे तो ये बात बनेगी. मैं इस पे 1000 लेक्चर्स दे दूँ, आप इसे आइंस्टाइन से जाके लेक्चर्स अटेंड कर लें, आप न्यूटन आके आपको समझा दे, जब तक लिखोगे नहीं ना, गलत लिखो, सही लिखो, कुछ ना कुछ नहीं लिखोगे, नहीं पता चलेगा कि क्या है, नहीं पता चलेगा कि प्रेसी है. और ऐसे ही नहीं, प्रेसी में लोग फेल होते हैं, मेहनतें करनी पड़ती हैं ना लिख के, ठीक है. सो आपका आंसर लिखेंगे और मैं इस पे फिर जो है वो लिखता हूँ. शहबाज ने लिखा, साइंस गिव अस मोर नॉलेज लाइक ए चिल्ड्रन. भाई शहबाज भी शायद इसके मीनिंग को नहीं समझ पाए कि साइंस एज वी हैव सीन हैज गिवन अस पावर्स फिट फॉर द गॉड्स वी यूज देम, ये हम इस्तेमाल करते हैं. नॉलेज इज सर्च टूवर्ड्स गॉड, ठीक है. अच्छा जी, इसको थोड़ा सा यूं लिखिएगा कि साइंस has given us those powers that we do not use properly. ठीक है जी. So science has given us those powers that we do not use properly. So ये do not use properly, बल्कि इसको भी अगर हम जो है वो डू नॉट कर लें, और तो ये हमारे खास ज्यादा मुनासिब हो जाए. साइंस इज गिवन अस दोज पावर दैट वी डू नॉट यूज प्रॉपरली. अब देखिए मीनिंग्स वही है कि साइंस एज वी हैव सीन, ये तो फजूल सी बात है. ये वर्ड्स जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक्सिस में है, ठीक है. एज वी हैव सीन हैज गिवन अस फिट फॉर द गॉड्स. अच्छा, ये एक प्रेसी की मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, एक आप खुद करेंगे, ठीक है. एक आप जो है वो खुद करेंगे, एक आपको जो है वो करना है, तो उसको आपको खुद देखना है. अच्छा जी, आगे चलते हैं. ये देखिए एग्जांपल, वी डू नॉट टू मैन, सो मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, येट He has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. So, यहाँ तक हमारे पास जो है वो एक तीसरी लाइन है, ये लाइन. अब इसको कोशिश कीजिए कि कुछ करने की, ट्राई कीजिए इसको करने की, और बाकी का स्क्रीनशॉट ले लेना आप. ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है. We are unable to manage the machine. सीखकर अपना गुड नेम मेंशन करेंगे आप. आपका नेम हमारे पास नहीं आ रहा, तो अगर आप अपना नेम मेंशन कर सकें. अच्छा जी, अच्छी अटेम्प्ट है. मशीन्स शुड बी ह्यूमन फ्रेंडली, वी आर अनेबल टू मैनेज द मशीन्स, ठीक है. हाँ जी, ये जो इनका है, मशीन्स आर इन कमांड ऑफ मैन बट अनफॉर्चुनेटली वी आर इस अंडर. असल में एलेक्स, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, और आप इंशाल्लाह ऐसे में बड़े अच्छे नंबर लेंगे अल्लाह के फज़ल करम से. लेकिन ये है कि आपने एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ना हमें कंप्रेस करना, ठीक है. जैसे ये हैं, अब हमें नहीं पता इनका नाम क्या है. वी आर अनेबल टू मैनेज द मशीन, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है. वेल डन, वेरी गुड, आपने ओके ओके ओके. सफ्तान साहब ने भी चेंज किया इसको नेम, ठीक है, थैंक यू. सो इन्होंने बहुत अच्छा चेंज किया, एंड दैट इज वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स. दैट इज यार, या आप इस पर लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल, वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन्स. That is the thing. ये आगे machines were made to man servants and all these things.
इनकी जरूरत नहीं है। आपने इस तरह से प्रिसाइज करना, सफ्तान आपका 36 पॉइंट, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़े क्रूशियल स्टेप्स हैं, ये बहुत क्रूशियल स्टेप्स हैं। जब आप इनको ना, हम मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा पहले दिन ही आपके पास आता है ना, और आप उसे पहले दिन ही कह दो यार ये मुझे जो है वो चला के, वो नहीं कर सकेगा, उसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फील करेगा। लेकिन इसको साथ साथ करते चला जाइए, साथ साथ इनको कंप्लीट करते चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्टेप हम ये लिए, हमने एक लाइन आपको नहीं दे दी, ये फोर्थ वाली जो लाइन है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो पैसेज जो हमें भारी भरकम पैसेज नजर आ रहा था, जब हमने उसे पार्ट्स में डिवाइड किया है तो अब हमें आसान लगना शुरू हो गए। अब देखें, हमने इस इतनी लाइनों को, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 लाइनों को, सिर्फ 3 लाइनों या शायद 3 लाइनों से भी कम जो है वो उसमें कर दिया। अब फोर्थ लाइन है, ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स एंड द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर्स। पर ये एक दफा इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसको कोशिश करें, बल्कि अगर इस लाइन के अंदर हम जो हैं यहाँ तक शामिल कर लें तो आप शायद ज्यादा अच्छे से इसको जो है वो कर सकेंगे कि ये पूरा सेंटेंस आपका बन जाए। ये लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड ऑफ मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स एंड द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर्स। They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at the right temperature. So, machines को क्या करना चाहिए? Machines is the master of human being. Very good, very good. अगर हम इसको ये कह दें कि machines are becoming masters of human being, तो definitely it is a wonderful thing. अच्छा जी, शहबाज की एक अच्छी अटेम्प्ट है, लेकिन आपने भी डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे, आप अपनी अटेम्प्ट इस पे अभी पुट करेंगे। सो फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर होना चाहिए कि मशीन्स शुड बी ऑपरेटेड अटेंटिवली, अटेंटिवली, अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क, और बल्कि इस तरह से और सिंपल करते हैं, अदरवाइज दे विल काज डिस्ट्रक्शन। अब ये जो हमने ऑपरेटेड अटेंटिवली लिखा है, सो हम इसे ये भी जो है वो लिख सकते हैं, ऑपरेटेड की बजाय मशीन शुड बी फेड अटेंटिवली। अब ये ज्यादा कि हम जो है वो जब उन्हें पेट्रोल की बातें करते हैं, कोल की बातें करते हैं, तो उन्हें हमें जो है वो फेड अटेंटिवली करना चाहिए। अदरवाइज जब आप उन्हें फेड बंद करना बंद करोगे, जब उन्हें खिलाना पिलाना बंद करोगे, यू विल फील कि वो आपको छोड़ देंगे, वो आपको खत्म कर देंगे। एक स्पेसिमन था जो हमने आज डिस्कस किया। ये लाइनें आप अभी जो है वो अपने, ये जो 4 लाइनें हैं ना, ये इनका स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन का ले लीजिए प्लीज, और इसको जो है वो बल्कि पूरी की पूरी प्रेस ही का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनको जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे अब अपने ग्रुप में। ये लाइनें मैं 4 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और एक असाइनमेंट मैं आपके ग्रुप में अभी पेश कर रहा हूँ थोड़ी देर तक, जिनको आप कल की क्लास से पहले जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल के लिए हम, मैं आपको एक पैसेज दूंगा, उसके बाद हम ग्रामर के किया करेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे आपको एक प्रेसी है उसको आपको प्रिसाइज करना, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कल से ऑनवर्ड्स आपको एक, हमारे पास एक पैसेज आएगा प्रिसाइज करने के लिए, और उसके बाद हम ग्रामर के साथ प्रोसीड कराएंगे, इस तरह से हम चीजें कवर करेंगे, आउटलाइंस पीपीएससी वाली। सो अगर क्वेश्चन है तो वेलकम, अदरवाइज
सॉरी मैं समझा नहीं, ये वर्ड जो है वो हमारे पास, मैंने इस पैसेज को मुकम्मल नहीं पढ़ा, क्या यहाँ पे मेंशन है? ये पैसेज इनकम्प्लीट है, लेकिन आपके ग्रुप के अंदर मैंने पूरा लिखा हुआ है, वहां पे पूरा मेंशन है, ठीक है, वहां पे ये कंप्लीट है। आई एम सॉरी, मुझे ये वर्ड नहीं समझ में आया, ये कि ये क्या है, पिकाडिली, क्या आप क्या लिखना चाह रहे हैं? अगर कोई कंप्लीट लाइन है तो वो आप आइडेंटिफाई यहाँ पे कर दीजिए। अच्छा, ये पैसेज आपके ग्रुप के अंदर कंप्लीट है, अब वहां से लेंगे, और इसी तरह से आप इंडिविजुअली बाकी लाइनों के पीसी बना के उसमें आप जो है वो शेयर करेंगे, इंडिविजुअल कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं, ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो ग्रुप में आप इसको पूछ सकते हैं। आई एम श्योर कि प्रिसी के हवाले से आपको काफी चीजें जो है वो कवर करेंगे।